आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर नगर निगम महापौर को आज कछपुरा के व्यापारियों ने एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि काफी लंबे समय से कछपुरा में व्यापार कर रहे व्यापारियों को दूसरी जगह न भेजकर उसी जगह कछपुरा जोन में व्यापार करने की व्यवस्था की जाए। व्यापारियों ने बताया कि उन्हें यहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके लिए वह सहमत नहीं है। मुख्य समस्या यहाँ से शुरू होती है कि JDA द्वारा 11 नंबर स्कीम को विकसित किया गया था सन 80 से लेकर 90 के बीच में, उनके द्वारा जो सब्जी बाजार गया हुआ है 3-4 मंजिल का है। पूरे दुनिया में 3-4 मंजिल का सब्जी बाजार देखने का नहीं आता, 4th फ्लोर पर सब्जी बाजार दे रखा हुआ है। जब हम लोग ने लड़ाई चालू करी तो उन्होंने हॉकर जोन बनाया, हॉकर जोन भी कहाँ बना दिया, वो बना दिया कछपुरा में। जबकि स्थिति ये है कि यहाँ के जो 4 वार्ड हैं कछपुरा से इस तरफ के उत्तर मध्य विधानसभा के लिए, उसके लिए कोई भी सब्जी बाजार नहीं है। 600 से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो हॉकर्स जोन बनाया कछपुरा में, वहाँ 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, दुगने उनके साथ रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। यहाँ महापौर के पास आकर हम लोग ने कमला नेहरू वार्ड, विवेकानंद वार्ड और सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड के आसपास कहीं हॉकर्स जोन बनाने की मांग की है। उन्होंने हमसे कहा है कि अगर आपकी नज़र में कोई सरकारी ज़मीन है तो आप बताएँ, हम उस पर प्रयास करेंगे बनाने का। और इसके अलावा वर्तमान में ये कहा है कि फ़िलहाल सड़क जाम होता है, इसलिए सड़कों के किनारे स्ट्रीट वेंडर्स को बिजनेस करने से रोका जा रहा है। हमारी बात को उन्होंने गंभीरता से लिया है, निर्देश भी जारी किए हैं और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा। आज सब्जी व्यापारी संघ और अन्य संघ मिलकर के इस बात के लिए महापौर के पास आए थे कि सड़क के किनारे जो सब्जी वेंडर्स हैं या फल विक्रेता हैं, इनको जो समस्या हो रही खड़े सड़क के किनारे खड़े होने पर, आम आदमी को भी समस्या थी, लेकिन वहाँ पर जहाँ हॉकर जोन में भेजा जा रहा है वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं नहीं है इतने सारे वेंडर्स को खड़े होने की। तो हमने ये मांग की है कि इनके लिए अन्यत्र व्यवस्था, जैसे कि विवेकानंद हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड हो गया, विवेकानंद वार्ड हो गया, कमला नेहरू वार्ड, इसमें कहीं मिलाकर के एक जगह बैठने की, सरकारी जो भी ज़मीन पर हो वहाँ पर बैठने की नई व्यवस्था बनाई जाए, ताकि सारे के सारे सब्जी व्यापारी बगैर प्रताड़ित हुए वहाँ बैठ सकें। अभी बहुत सारे सब्जी व्यापारी व्यापार छोड़ करके कोई ऑटो टैक्सा रिक्शा चलाने लगा है, विभिन्न समस्याएं पैदा हुई उनके साथ। अभी जहाँ जहाँ हॉकर जोन बने हुए हैं सब्जी जोन में, देखिए अपने क्षेत्र में जो हॉकर जोन बना है वहाँ पर थोड़ा समस्या ये है कि यहाँ रेलवे फाटक पड़ता है और इधर ब्रिज पड़ता है, तो रानीताल से इस तरफ के लोगों को आने में बड़ी समस्या है। अपने यहाँ पर आप देखेंगे तो सब्जी अब्जी खरीदने की जो व्यवस्था है, माताएं बहनें ज़्यादातर करती हैं, पैदल जाने वाले लोग ज़्यादातर करते हैं, तो वहाँ फाटक बंद हो जाता है, घंटों फाटक बंद रहता है, या ब्रिज से जाना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, उसे समझना पड़ेगा जाकर के। वहाँ चबूतरी अलाट दिए गए, वहाँ पर उन लोगों ने अपना कब्जा तो किया लेकिन किराए पे दे दिए गए। नहीं, ये समस्या दूसरी है, पर 600-700 लोग अगर वहाँ पर बैठे और 300 आपने बनाई है तो ये समस्या वहाँ पर होगी। आ जाओ पार्टी नगर में, तो यहाँ के लोगों के लिए यहीं पर व्यवस्था बना करके देना पड़ेगी, ये उसका अच्छा सोल्यूशन है। हम ये बात करने आए थे, मैं राकेश चक्रवर्ती। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।